हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्नोवान में। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत सारी टेक न्यूज लेके आया हूँ। उसके पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों ने अभी तक आस्क अरमान के लिए वीडियो क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। पार्ट 4 बहुत जल्दी मैं शूटिंग करने वाला हूँ, तो हैशटैग आस्क अरमान करके जो चाहो पूछना है इस कमेंट सेक्शन में डाल देना। और बात रही कल मेरा बर्थडे है, तो मैं कल लाइव भी आने वाला हूँ, तो जरूर से बेल आइकन को दबा देना क्योंकि आप हमारे मिल जाए। ठीक है, तो आज की जो टेक न्यूज है वो स्टार्ट करते हैं। अगली न्यूज आ रही है वो वन प्लस सिक्स की तरफ से आ रही है। वन प्लस सिक्स बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जून के जुलाई तक ये फोन लॉन्च हो जाना चाहिए इंडिया में भी और चाइना में भी। तो बोला जा रहा है, इसकी बहुत सारी लीक्स और खबर आई है, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें आपको 256 GB वाला भी वेरियंट मिलने वाला है, स्नैपड्रैगन का 445 का प्रोसेसर मिलने वाला है, 8 GB तक की रैम मिलेगी जो इस बार भी मिली थी। 27 अप्रैल को शायद से लॉन्च हो सकता है वाला, और इसकी जो प्राइसिंग जाएगी इस बार 34,000 में आपको 128 GB वाला वेरियंट मिलेगा, और जो 256 GB वाला वेरियंट होगा और 8 GB रैम वाला होगा वो आप लोगों को मिलेगा 45,300। मतलब जो प्राइस है आप जैसे कि देखोगे थोड़ा हाई हो गया है, तो मतलब जो वन प्लस है वो थोड़ा प्राइस ऊपर करके जा रहा है। तो ठीक है, मगर हमें कैमरा मोबाइल अच्छा है तो इसलिए हम पे करने के तैयार हैं। सैमसंग गैलेक्सी में हम 80,000 पे कर रहे हैं, तो इतना तो बनता ही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस की तरफ से आ रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है 2016 में इन लोगों ने लॉन्च किया था A5, A8 और A7, तो ये फ़ोन लॉन्च किए थे। A3 भी था, बट इसमें जो इस बार सैमसंग लॉन्च करने वाला है A6 और A6 प्लस, जिसमें आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलने वाला है, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन होगी, और इसकी कुछ फोटो लीक होके आई है, एकदम ऑफिशियल फोटो दिख रही है मुझे। तो इसमें आपको 5.6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाला है 18.2 का। आप लोगों को इसमें एक्जोनस का 7870 का प्रोसेसर मिलेगा, आप लोगों को 3 GB रैम वाला वेरियंट मिलेगा, 4 GB रैम वाला वेरियंट मिलेगा, 64 GB वाला वेरियंट मिलेगा, और आपको जो एक वेरियंट होगा उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 625 भी देखा मिलने वाला है। तो मैं सबसे मज़ेदार बात है, और देख लेते हैं जो प्राइसिंग हो मेरे हिसाब से 15,000 से 10,000 के बीच में होती है, तो ये फ़ोन शाओमी को बीट कर सकता है। देख लेते हैं, बस डुअल कैमरा दे देते बस सैमसंग तो मज़ा आ जाए, वरना महंगे महंगे मोबाइल में वो बस डुअल कैमरा दे देता है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की। दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो आ रही है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल आप लोग को 500 रुपीज़ मतलब 499 में आप लोग को दे रहा है 2 GB पर डे। तो ये सच है कि नहीं है आप लोगों को मैं बताता हूँ। दोस्तों ये बात सच है कि वो आप लोगों को 500 में 2 GB का डेटा हर डे देगा, 91 डेज का ये ऑफर रहेगा आप लोग को 4G, और बहुत सारे इसमें आपको सब फीचर्स मिलते हैं, अनलिमिटेड SMS, अनलिमिटेड STD कॉल्स, आप जितने चाहें कॉल्स कर सकते हो। और बात रही अच्छा ऑफर है, बट मुझे जो इसकी आप बोलोगे कि जियो का ऑफर अच्छा है कि ये, तो मैं बोलूँगा जियो का ऑफर अच्छा है, क्योंकि जियो का ऑफर आपको मिलता है 459 रुपीज़ में, और आप लोगों को जियो ने ऑफर्स भी दिए हैं कि आपको 50 रुपये का उन्हें कूपन दिया है, जो 7-8 कूपन आप लोगों को दिए होंगे, तो उसको ज़रूर यूज़ करो, उससे आपके जो कट जाएगा तो वो 400 रुपये में आपको 2 GB पर डे दे रहा है। तो मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा एयरटेल चार्ज कर रहा है, मगर जियो का मेरे हिसाब से अच्छी सर्विस है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है और अच्छी स्पीड है। तो मेरे हिसाब यहाँ पे तो मुझे स्पीड नहीं अच्छी मिलती, बट एयरटेल की तो और ही घटिया मिलती है। तो मेरे हिसाब से जियो आप जाके ज़रूर ले सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ एयरटेल, मगर एयरटेल ने काम किया ठीक है, तो एक बिग थम्स अप एयरटेल की बनता है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। अगली न्यूज़ है मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला का इसे आप लोगों को पता है Moto G6 बहुत जल्दी आने वाला था, तो भाई ये कंफर्म मैंने आप लोगों की वीडियो बना चुका है, आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जरूर जाके देख लो, क्योंकि पूरी जानकारी मैं उस वीडियो में दे चुका हूँ। तो 19 अप्रैल को ये फोन लॉन्च होने वाला है ब्राज़ील में, तो इंडिया में पता नहीं कब आता है, बट जल्दी आ जाना चाहिए, मई तक आ जाना चाहिए इस फोन इंडिया मार्केट्स में, तो क्योंकि मोटोरोला ने अपने बहुत सारे हब्स भी खोल लिए हैं, तो वो रेडी है अपने इस नए फोन को लाने के लिए। देख लेते हैं जब आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर से अपनी ओपिनियन दे दूंगा और अनबॉक्सिंग करके बता दूंगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। टेक न्यूज़ की ओर चलते हैं, तो वो एयरटेल की तरफ से आ रही। सॉरी दोस्तों, आज टेक न्यूज़ थोड़ी कम थी, मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ी जितनी इंपॉर्टेंट टेक न्यूज़ थी मैंने आप लोगों को दे दी। तो जो फाइनल टेक न्यूज़ है वो एयरटेल की तरफ से, एयरटेल अपना एक ब्रॉडबैंड खोलने वाला है। जैसे आप लोगों को पता है ब्रॉडबैंड तो है, मगर जैसे जियो फाइबर आने वाले, तो वैसे ही ये भी अपना एक लॉन्च करने वाला है। भाई कॉपी तो करता ही एयरटेल उसका। तो इसमें आपको बोला जा रहा है आपको 300 MBPS की स्पीड मिलने वाली है, और 2,200 रुपये आपको महीना देना पड़ेगा, और 1,200 GB की आपको 300 MBPS की स्पीड मिलने वाली है। मेरे हिसाब से दोस्तों बिल्कुल रुक जाओ यार, बिल्कुल भी मत लेना ये एयरटेल का ऑफर, क्योंकि दोस्तों इससे अच्छा आप जाके जियो का आने वाला है। जियो फाइबर बहुत जल्द आने वाला है, बहुत अंदर की अभी मैं कस्टमर केयर से बात करूँगा बहुत जल्दी, कि जब ये आएगा तो हम ज़रूर बता दूंगा मैं आप लोग को जियो फाइबर का। और जियो D2HB आने वाला है, जैसे पता है बहुत ही अच्छे ऑफर के साथ आएगा, 1 GBPS की स्पीड मिलने वाली है उसमें आपको, और बहुत सारे वेलकम ऑफर बहुत सारे साथ के साथ आएगा। तो बिल्कुल भी एयरटेल में मत जाना, एयरटेल आपको बहुत लूट लेगा।
तो ये मेरा बिल्कुल रिकमेंड। तो सुबह सात चीज जो टेक न्यूज होती है वो यहीं पे खत्म होती है। जरूर से बताना आप लोग को आज की टेक न्यूज कैसी लगी, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगी लाइक करके जाना और जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।